अस्सलामुअलैकुम। आज हम आपको पिज़्ज़ा बनाने का तरीका सिखा रहे हैं। इसमें मैं जो इसमें जो है मैं प्याज और टमाटर लेकर उसको थोड़ा सा सौते कर लेती हूँ। मेरा मेथड ऐसा है, थोड़ा सा ये प्याज और टमाटर सौते हो जाएंगे, तो पूरा सौते नहीं करना, हमें थोड़ा सा सौते करना है। फिर इसमें हम डालेंगे शिमला मिर्च ऐड कर लेंगे, और शिमला मिर्च ऐड करने के बाद हम इसका क्रंच ख़त्म नहीं करेंगे, ये ऐसे ही रहेगा। और लास्ट में हम इसमें चिली सॉस थोड़ा सा ऐड करेंगे। ये हमारा वेजीज जो है वो रेडी है, देखिए। और अब इसमें से मैं, क्योंकि मेरे बेटे को थोड़ा सा क्रस्ट पतला पसंद है, तो मैं इसकी क्रस्ट पतली लेने के लिए इतना सा मैं पेड़ा लूँगी, उसकी अब मैं क्रस्ट बनाऊँगी। इसको नॉर्मली आप जैसे रोटी की तरह बेलते, रोटी की तरह पेड़ा बनाते हैं, ऐसे बनाएं, और उसके बाद आप उसको बेलेंगे। क्रस्ट है उसके ऊपर मैंने कांटे से निशान बनाना है, ताकि इसमें जो भी मैं पिज़्ज़ा सॉस डालूं वो इसके अंदर रह जाए। ये मेरा हो गया डन। अब जो है मैंने पिज़्ज़ा सॉस भी खुद बनाया है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो हम नेक्स्ट जो वीडियो है उसमें डालेंगे। पिज़्ज़ा सॉस मैं कभी भी बाज़ार से नहीं लाती, मैं खुद ही बनाती हूँ, और इसका टेस्ट बहुत डिफरेंट होता है। पिज़्ज़ा सॉस मैं ढेर सारा डालूँगी, क्योंकि मैं अपने बेटे के लिए ज़्यादा कुकिंग करती हूँ, उसको बहुत ज़्यादा पसंद है पिज़्ज़ा सॉस। और अब ये जो है इसमें मैंने ढेर सारी सॉस डाल दी। उसका थोड़ा पिज़्ज़ा डिफरेंट होता है, उसको ये मशरूम वगैरह या ऑलिव वगैरह पसंद नहीं है, उसे सिर्फ सिंपल वेजीज और चिकन का ही पिज़्ज़ा पसंद है। थोड़ा सा वो क्रस्ट भी उसके लिए हार्ड रखना पड़ता है, सॉफ्ट नहीं। तो ये आपने देखिए, सॉस मैंने बहुत ज़्यादा ज़्यादा डाली है, और जो किनारे हैं उन पर भी बहुत डालूँगी, क्योंकि किनारों पर ये होता है कि अगर आपकी सॉस भी ना हो और कोई चीज़ वेजीज या चीज़ भी ना हो, कभी कभी हो जाता है, तो फिर वो खाने की काबिल नहीं होता और खाया नहीं जाता। अभी आपने सॉस डालने के बाद, मेरा मेथड ये कि मैं चीज़ डालती हूँ, चीज़ को हम श्रेड करके थोड़ा थोड़ा डालें। आज मेरे बेटे ने कहा कि थोड़ी चीज़ ही कम बनानी, वरना तो मोस्टली मैं चीज़ें बहुत बनाती हूँ। तो चीज़ आप डाल के, ये चीज़ मेरे दोनों मोज़ेला और चैडर है, ये थोड़ी डिफरेंट है क्योंकि ये सरगोधा से आई हुई है। मैं नॉर्मल एडम्स की नहीं बनाती हूँ, उससे इतना मज़े का नहीं बनता जितना ये साहिवाल से, सॉरी, तो उनसे इससे ज़्यादा मज़े की बनती है। ये देखिए, आपने ये डालने के बाद अब मैं वेजीज डालूँगी। वेजीज मेरे इतने क्रंच भी नहीं है और इतने लूज भी नहीं है, दरमियानी उसमें है। वेजीज डालने के बाद मैंने इन वेजीज को फैलाना है, इतना ज़्यादा वेजीज भी नहीं डालना और इतना ज़्यादा आपने इसको वो भी नहीं डालना। थोड़ा वेजीज फैला के ये आपके वेजीज इसमें फैल गए चिकन। अब आपने इसके ऊपर दोबारा से चीज़ डालनी है। ये चीज़ आपने दोबारा से डाल दी इसके ऊपर, और उसके बाद आप ये लास्ट में चिकन डालेंगे। अब चिकन जो है हमने ऐसे डालना है, पड़ा होगा। ये आपने इसमें चिकन डाल दिया और इसको फैला लिया। ये देखिए, चिकन मैंने अच्छा खासा ले लिया और इसको फैला लिया। और अब जिन जिन जगहों पे चिकन नहीं है उधर भी मैं फैला रही हूँ, और इस तरह ये चिकन हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब नाउ ये रेडी है, लेकिन इसके ऊपर आप हल्का सा जो है ओरिगानो और थाइम डाल सकते हो, लेकिन मेरे बेटे को थाइम का जो वो है ना, वो नहीं पसंद, थाइम की जो थोड़ी स्ट्रॉन्ग टेस्ट होता है, तो फिर मैं सिर्फ ओरिगानो भी हल्का सा डालती हूँ कि ज़रा सा वो देखने में वो लगे, अच्छा लगे और टेम्पटिंग हो। ये मेरे डन है सारा कुछ। अब इसमें आप लोगों के फ्लेवर के मुताबिक आप इसके ऊपर मज़ीद वो भी डाल सकते हो, चिली फ्लेक्स और काली मिर्च। में थोड़ी सी काली मिर्च डाल रही हूँ कि चिली फ्लेक्स, क्योंकि ऑलरेडी हर चीज़ में डली हुई है। नाउ इट इज़ रेडी फॉर ओवन में जाने के लिए रेडी है। ओके, अब मैं आपको ओवन का बताती हूँ।
ओवन के हमने पहले वाले रॉक, मेरे पास ब्राउनियंस का ओवन पड़ा हुआ है तो इलेक्ट्रिक ओवन है, उसको हमने फुल ऑन कर दिया और इसकी आंच में फुल रखती हूँ और जो रॉड है वो अपर एंड लोअर दोनों है, ठीक है। अब मैंने इसको ऑन कर दिया है, ये अपर एंड लोअर से ऑन है। अब हम थोड़ी देर इसको फिर हीट करके उसके बाद हम अपना पिज़्ज़ा इसमें डालेंगे। और मैं थोड़ा आपका ये फिर हीट हो चुका है, अब हमने इसमें पिज़्ज़ा डाल दिया, बस आप वेट करेंगे, पिज़्ज़ा हमारा तकरीबन 20 मिनट में डन हो जाएगा। ओके, आफ्टर 20 मिनट हम मिलते हैं। अब हमारा पिज़्ज़ा जो है डन हो चुका है, देखिए इसमें कितना प्यारा कलर आया है और उसके बाद इसमें इसकी क्रस्ट भी बड़ी अच्छी सी आई है, उस पर क्रस्ट पे भी बड़ा अच्छा सा कलर आया, मैं आपको शो कराती हूँ। ये देखिए क्रस्ट इसकी बिल्कुल सही पकी हुई है, अगर इसको मज़ीद पकाना हो तो इसकी नीचे वाली रोट को ऑन कर सकते हैं, ठीक है। चलिए जी,